सत्यनारायण कुशवाहा राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और मैं पहुंचा हूं यहां पे घाटा केड़ी गांव में, और यहां पे करते हैं इन अम्मा जी से बात, जो इनका क्या विचार है, कैसे रहन सहन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, करते हैं इनसे बात। और देखें मेरे बैकग्राउंड में, ये जो यहां पे जो हमारा राजस्थान का दक्षिणी छोर है, दक्षिणी क्षेत्र है, उसमें मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे ये इस तरह से घर द्वार हैं, कुछ आधे कच्चे और आधे पक्के इस तरह के। और अच्छा है क्षेत्र वैसे यहाँ पे। और जैसे राजस्थान में पानी के लिए बोलते हैं कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, बाकी हमारे जो राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। देखो ट्यूबवेल चल रहा है और अच्छी सुख सुविधा संपन्न गाँव है, जो जिस गाँव में घाटागेड़ी ग्राम पंचायत में मैं आया हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं और करते बात। एक पैरावणी के ऊपर ही टॉपिक ले लें अपन का आज, पैरावणी की ये बात। तो जैसे लड़की वालों लड़का वाला की पैरावणी, लाडा वाला की पैरावणी करे ना, ये बार पैरावणी ओवर है। जब आप तो एक तो कांकड़ पैरावणी आपने मांडा नीचे आ गया, फिर वो मांडा नीचे तो फिर वो पेट पैरावणी होगा है ना। और फिर एक बात तो नहीं होनी पैरावण, तोरण का सर होगा कि नहीं होगा, तोरण का सर होगा नहीं, हाँ लाडा अलग करना, तोरण का सर होगा ना। हाँ हाँ तो अपना राजस्थान में यह परंपरा चल रही है, तो यह गलत है या सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्ञान से भैया, तो मैं एक बात बताओ ना भाई, गलत है या सही है? गलत है ना, गलत है यार, कब्रान की गलत ही है। जैसे दूसरे देशों में विदेशों में जैसे शादी होती है, तो विदेशों में शादी होती है तो जैसे जो लड़का लड़की जो पसंद करते हैं दोनों, तो लड़का लड़की दोनों लड़का लड़की के मम्मी पापा वो ही बस चार आदमी मिलकर शादी कर लेते हैं। तो अपने इंडिया में ऐसा क्या सिस्टम बना रखा है जो मतलब इतनी भारी भीड़ होती है, इतना सारा खाना बनाना पड़ता है, और इतना सारा जो गिफ्ट दिया जाता है, साड़ी वगैरह, साड़ी पेंट बुशर्ट जो भी है, चावल वगैरह, तो इतना सारा गिफ्ट दिया जाता है, तो इससे फ़ायदा है या नुकसान है? फायदा नहीं है, नुकसान है। तो ठीक है जी, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू जी। तो दोस्तों अभी रुका था मैं यहाँ घाटागेड़ी गाँव पहुँचा था, और यहाँ पे मैंने कुछ अम्मा जी से कुछ बात किया, और इनसे बात करने में मुझे महसूस हुआ कि जो अभी भी राजस्थान में जो हमारे यहाँ पे जो ये जो कपड़ा गिफ्ट करते हैं, साड़ी वगैरह गिफ्ट करते हैं, तो वो परंपरा है। और वो इन अम्मा जी ने भी बताया कि भाई ये तो गलत है सिस्टम, और इसमें पब्लिक बहुत घाटे में हो रही है, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है ये, और इसकी जगह तो अगर पैसा गिफ्ट हो जाए तो वो अच्छा रहता। अब ये तो इनका सुझाव है, और जाति की परंपरा के अनुसार भी कुछ अलग अलग रिवाज होते हैं। तो ये हमारे राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी क्षेत्र है, उसमें मैं मौजूद हूँ। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद, थैंक यू जी।